हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब चीजें आप लोगों को बताऊंगा मैं। आईबीएस है, मोटर ट्रांसपोर्ट की तैयारी कैसे करनी है, और ये तैयारी जो है वो जीत की है। आपको पता है, ये तो मैंने बनाया है, ये पर्टिकुलरली 70 दिन का मैंने बनाया है कि अब जब से आप ये वीडियो देख रहे हो आपके पास 70 दिन है। ठीक है, जिस हिसाब से आईबी काम करता है उस हिसाब से हम 70 दिन मांगे चलते हैं। 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, 14 तारीख से जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो 13 नवंबर तक फॉर्म है। 13 नवंबर के बाद हम ये मानते हैं कि 15 से 20 दिसंबर को ये एग्जाम हो सकता है, 20 के बाद ही होगा। तो आपके पास कितना टाइम है अभी, आप ये मान सकते हो आपके पास 65 से 70 दिन है। तो यानी कि 70 दिन के हिसाब से ये हो गए 10 हफ्ते। ठीक है, 10 हफ्ते आपके पास है, मोटा मोटी 10 हफ्ते हम लोग मानते हैं। इसीलिए 10 वीक्स का प्लान है आपके लिए। पसंद आएगा तो इसको फॉलो कर लेना, नहीं तो आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको इसी हिसाब से पढ़ना है, आपको जिस हिसाब से पढ़ना है, आपको जिस हिसाब से अच्छा लगेगा उसी हिसाब से पढ़ना। मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि क्या क्या करना है। देखो, एक हफ्ते में यहाँ पे आपका सैटरडे संडे, इन 2 दिनों में आपका क्या काम रहेगा वो अलग से बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, ये है पहला हफ्ता। पहले हफ्ते में आपने ये, अब याद रखना कि आपके पास 7 दिन है, 7 में से 5 दिन आप पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, 5 दिन आपने पढ़ना है। और एक दिन आपने यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट का मतलब क्या है, आपने जीके का टेस्ट देना है, सेक्शन वाइज आपने रिविजन करना है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। पहले दिन में आपने जब जीके का पढ़ने बैठोगे तो आपने बेसिक हिस्ट्री पढ़ने, कंसेप्ट पढ़ना है, मुगल क्यों डाउनफॉल हुआ, रिवॉल्ट वो पढ़ना है, मराठा के पेशवास और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं। हमारी वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी बताऊंगा कैसे अवेल करना है। शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ने हैं क्वांट में, ये पहले हफ्ते की बात कर रहा हूं मैं। दूसरे दिन पढ़ लो, तीसरे दिन पढ़ लो, आपकी मर्जी है। क्वांट को तीसरे दिन पढ़ना है तीसरे दिन पढ़ो। मल्टीप्लीकेशन ट्रिक, स्क्वायर रूट, ये हो गया यहाँ पे आपका क्यूब रूट और स्क्वायर रूट। सिमेंटिक एनालॉगी पढ़ना है आपने, नंबर एनालॉगी, फिगर एनालॉगी, ये आपका रीजनिंग में पढ़ना है। इंग्लिश में आपका स्पीच पढ़ना है, एडजेक्टिव प्रोनाउंस, नाउंस, नॉर्मल नॉर्मल इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, आई एग्जाम भी प्रोवाइड करवाएगा आपको। क्या प्रोवाइड करवाएगा यहाँ पे, आई एग्जाम भी क्या प्रोवाइड कराएगा आपको, आई एग्जाम भी आपको प्रोवाइड करवाएगा मंथली करंट अफेयर, क्विज भी प्रोवाइड करवाएंगे। और याद रखना 70 दिन बाद पेपर है तो 70 दिन का करंट अफेयर नहीं आएगा भाई, जनवरी से स्टार्ट कर देना करंट अफेयर। मैं बता रहा हूं आपको, जनवरी से करंट अफेयर स्टार्ट कर देना, पढ़ना है तो, पास होना है तो। दूसरे हफ्ते वही सेम रूटीन चलेगा, यूरोपियंस के बारे में पढ़ना है, बंगाल कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, बंगाल में क्या क्या हुआ ये सब पढ़ना है, नंबर सिस्टम, इंटीजर, डिविजिबिलिटी रूल, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, फ्रैक्शंस, बेसिक क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने, मैथ्स में प्रैक्टिस करने से ही होगा। क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, इंट्रोडक्शन टू रिपोर्टेड स्पीच एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, मंथली करंट अफेयर क्विज। ये तो आप एग्जाम पेपर छोड़ दो, चाहे फ्री में हो चाहे पेड हो, दोनों को मिल जाए, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, क्विज नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ पीडीएफ तो हम प्रोवाइड करवा ही देंगे। मंडे ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 5 दिन, 5 दिन पढ़ना है, 2 दिन आपने रिवीजन करना है, 2 दिन आपने सॉल्व करना है चीजों को। तीसरे हफ्ते में अरेबियन एंड टर्किश, इंडिया इन्वेजन, ठीक है, मतलब इंडिया इंडियंस पे इन्वेजन, दिल्ली सल्तनत, खिलजी तक आप यहाँ पे पढ़ेंगे इस दिन। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एवरेज यहाँ पे करेंगे आप इस हफ्ते कंप्लीट पूरा अपना। बेसिक डिस्टेंस, नॉलेज ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन आपने यहाँ पे पूरा पजल बेस्ड क्वेश्चन करने, एरर डिडक्शन पढ़ना है आपने इंग्लिश में, वॉइस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट वर्क कॉन्कॉर्ड, रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सेप्शंस और मंथली क्विज। तो ये इसमें तो आपकी मैं हेल्प कर दूंगा, आपने सिर्फ 4 ही पढ़ना है, एक की तो आपको सारा डाटा मिल जाएगा। आप याद रखना ये आपको पढ़ना है, और यही पीडीएफ जो पूरी 7-10 वीक्स का यहाँ पे प्लान है आप लोगों को पढ़ने का, आप लोगों ने पढ़ना है। ये मैं सोचना है कि आप इसके लिए वीडियोज आपको पूरी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ये आप लोगों ने अपने हिसाब से पढ़ने हिसाब से पढ़ोगे तो एग्जाम निकल जाएगा। ओके, 10 वीक इसको फॉलो कर लेना। पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आईबी एग्जाम्स SSCB, 5100 लोग हैं वहां पे, आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, डाउनलोड कर लोगे। चौथा हफ्ता है दिल्ली सल्तनत, मुगल डायनेस्टी, यहाँ पे आपने हुमायूं तक पढ़ना है,
मुगल डायनेस्टी फिर आपने कंप्लीट पढ़ लेनी है बाद में। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस एवरेज के हाई लेवल क्वेश्चन करने हैं आपने यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा आता है इसलिए इसके लिए हमने 2 हफ्ता दिया है। ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री रिलेशन बिटवीन मेंबर्स एंड फैमिली, ये सब बता दिया है। कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस उसके टाइप पढ़ना है। मंथली क्विज आपने पढ़ना है। 5वें हफ्ते में इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को यहाँ पे बाद में कर रहे हैं क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री कम आती है इसलिए हम लोगों ने टाइम कम देना है इसके लिए, ठीक है। 16 महाजनपद, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्यन एम्पायर, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क प्रैक्टिस, बेसिक मॉडरेट एंड हाई लेवल क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट, न्यूमेरिक लेटर टू लेटर, कोडिंग सब्स्टिट्यूशन चाइनीज, ये सब पढ़ना है। फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशन फ्रेजेस, हाउ मीनिंग चेंजेस विद मॉडिफाइड प्रीपोजिशन एग्जांपल्स एंड इंपॉर्टेंट फ्रेजेस वर्ब, मंथली करंट अफेयर, ये आपका हो जाएगा। और हर सब्जेक्ट का आपने टेस्ट देना है 50 क्वेश्चंस का, ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये आप इजीली कर दोगे। इसके लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन है। प्री मेडिवल इंडिया, ये आपने पढ़ना है। साउथ इंडिया के बारे में पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका स्टार्ट हो जाएगा। यूनिवर्स, अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशनोग्राफी आपने इस हफ्ते पढ़ना है, डीपली नहीं पढ़ना है, नॉर्मल नॉर्मल पढ़ना है। पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रैक्टिस बेसिक मॉडरेट हाई क्वेश्चन इसके करने हैं आपने। काउंटिंग ऑफ फिगर, ट्राइंगल काउंटिंग, रेक्टेंगल, ये आपका रीजनिंग का है। स्क्वायर काउंटिंग, स्ट्रेट लाइन काउंटिंग, काउंटिंग आपका होना चाहिए। फिलर्स पढ़ने हैं यहाँ पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ना है, कंडीशनल सब्जेक्ट वर्ब, कॉन्कॉर्ड एंड फ्रेजल वर्ब पढ़ना है, और करंट अफेयर आपने वीकली करने हैं, ठीक है। उसके लिए वीडियो आ जाएगी आपकी वीकली वाली। फिर आया आपका 7वां, वर्ल्ड ज्योग्राफी, कॉन्टिनेंट्स, मेजर रिवर्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स एंड अदर फिजिकल फीचर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आप करोगे। किस चीज के लिए आपका इस हफ्ते में ज्यादा काम रहेगा, 7वें हफ्ते में। फिर आपने ट्रेन्स, बोट एंड स्ट्रीम, फिर आपने बेसिक एंड मॉडरेट एंड हाई लेवल क्वेश्चन करने हैं इसी के, हाई लेवल वैसे नहीं आता इसमें। अर्थमेटिक ऑपरेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस बहुत करनी है आपने रीजनिंग में इस टाइम। एडियम फ्रेजेस पढ़ना है, एग्जाम्स, प्रीवियस ईयर पेजेस पेपर्स पढ़ने, सेंटेंस री एग्रीमेंट पढ़ना है, ये सब आपने पढ़ना है। मंथली करंट अफेयर पढ़ना है आपने यहाँ पर, ओके। फिर 8वां हफ्ता, इंडियन ज्योग्राफी पूरा खत्म करोगे आप इसमें। रिवर सिस्टम, माउंटेन्स, क्लाइमेट पढ़ोगे पूरा का पूरा इस हफ्ते, आपने अपना हिस्ट्री खत्म कर देना है। पार्टनरशिप डीआई, बेसिक मॉडल आपने यहाँ पे सॉल्व करना है। वाटर इमेजेस, क्वेश्चन ऑन वाटर इमेजेस, ये भी आपने प्रैक्टिस करने हैं। एरर डिटेक्शन, फ्रेजल वर्ब्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ग्रामर रूल्स, ये आपने पढ़ने। और करंट अफेयर आप मेरे पे छोड़ दीजिए, इसकी पीडीएफ और इसका हर हफ्ते मैं आपके लिए ले आऊंगा। 9वां हफ्ता क्रूशियल है, फाइनेंशियल मार्केट, बजट, इकोनॉमिक्स का आ जाएगा, फॉरेक्स मार्केट, ट्रेड पॉलिसी, इंडियन पॉलिसी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, यहाँ पे इस हफ्ते आपने इकोनॉमिक्स तो खत्म करने ही करनी, साथ में आपने यहाँ पर अमेंडमेंट्स भी करने। मिक्सचर एंड एलिगेशन, SINCI हो गया, यहाँ पे आपने करना है मिक्सर एलिगेशन, CICI, 2D, 3D, 3D आपका यहाँ पे आ जाएगा, 2D यानी कि मेंसुरेशन आपने स्टार्ट कर देनी है। सिटिंग अरेंजमेंट ये आपने करना है, लीनियर एंड सर्कल दोनों पे करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीवियस ईयर पेपर, स्पेलिंग डिटेक्शन, मिसस्पेल्ड वर्ड, सब आपने करना है। मंथली करंट अफेयर आप मेरे पे छोड़ सकते हो। 10वां हफ्ता और 8वां हफ्ता, इसके बाद आपका पेपर हो जाएगा। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, साइंस एंड टेक, प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपने करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेंसुरेशन, 3D फिगर्स, सीरीज, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, फिगरल सीरीज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हाउ टू अंडरस्टैंड पैसेज, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और मंथली करंट अफेयर यहाँ पे आपने करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने यहाँ पे लगाना है जो कि हम आपको फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, और ये पेड वाले बच्चों के लिए भी है। कोर्स अगर आपको एनरोल करना है कोर्स में भी कर सकते हो, यही आपको पीडीएफ मिलेगी, सिर्फ आपने इसको टच करना है। ऐसे कैसे आपने यहाँ पर मतलब बेसिकली आप अगर इसको टच करते हैं, ओके, यहाँ पे अगर आप इसको मतलब जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी तो आप जैसे यहाँ पे टच करते, जैसे नीचे है, अगर आप टच कर देंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये है, आपको यहाँ पर ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ओके, यहाँ पर आपको ये भी चीजें मिल जाएंगी। अटेम्प्ट कर सकते हो आप फ्री प्रीवियस ईयर पेपर्स, जैसे आप यहाँ पे करोगे तो आपको फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो पीडीएफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मॉक टेस्ट देखना है, अपनी तैयारी देखनी है, तो आप यहाँ पर जब आप पीडीएफ आपको ये मिलेगी तब आप यहाँ पे इसको ऐसे कर देना, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, आप इजीली इसको कर पाएंगे। अभी तो मैंने पीपीटी में खोला हुआ है इसलिए नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये पीडीएफ है, पीडीएफ जब आपको मिलेगी ना तब आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई पैसा नहीं देना, यहाँ पे आप इसे इजिली मॉक टेस्ट दे पाओगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी आप दे पाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे मैंने टेलीग्राम हमारे ग्रुप में डाल दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आराम से डाउनलोड करो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर पूरे के पूरे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को,
ओके तो ये चीज है आपके लिए, फायदे के लिए। कोर्स में एनरोल करना है तो भी आप कर सकते हो, नहीं करना है इस हिसाब से चलो तो भी आपका काम हो जाएगा। ये था मेरे आप लोगों के प्रति, आई एग्जाम भी अन्य बच्चों के लिए एक तरीके से ये प्लान दिया है जिसे आप फॉलो करोगे तो आपका हो जाएगा। हमारे द्वारा तो यही, खैर जो हमारा पेड कोर्सेज है उसमें यही बताया जाएगा, यही कराया जाएगा। आपको भी ये तैयारी कर लेनी है, आपका सोर्सेज है तो आप अपने आप ये तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, हम भी आप लोगों को फ्री में ये मॉक टेस्ट देंगे, 2 मॉक टेस्ट 3 मॉक टेस्ट जितने भी हो सकते हैं वो आप कर सकते हो, बाकी सारा पेड के लिए होता है। ओके तो ये चीजें आप लोगों ने भी समझनी है कि हर चीज पेड नहीं हो सकती है, कुछ चीजों के लिए पैसा लगता है। वीडियो बना रहा हूं मैं, मेरी सैलरी है, यहाँ का बिल है, वो सब चीजों के लिए पैसा देना पड़ता है। मैं आपको फ्री में दे सकता हूँ, लेकिन बिजली वाला मेरे घर में बिजली फ्री में नहीं पहुंचाएगा। ओके तो ये चीज आप इस चीज को ध्यान में भी रखना, ये चीज नहीं तो कि सर ये फ्री में कर दो वो फ्री में कर, बहुत सारे कमेंट में नेगेटिव देखता हूँ तो मुझे वहां पे लगता है कि ठीक है मैं फ्री में देता हूँ कंटेंट, लेकिन क्या जो ये कैमरा है जहाँ से शूटिंग हो रही है, कहाँ जहाँ से ये सब चीजें इंटरनेट में जो अपलोड करूंगा, वो तो मुझे फ्री में नहीं देगा ना कि यार तूने फ्री में दी इनको तो तुझे हम फ्री में दे देते हैं, वो तो मुझसे पैसे लेंगे, मैं कहाँ से लाऊंगा जब तक मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है तो कंपनी का यही एक मोटिव होता है, ये चीज आपने समझना है कि वो चीजें हैं। इवन आप भी अगर आईबी में जा रहे हो तो उसके पीछे रीजन क्या है, कि क्या रीजन है उसके पीछे, कि मेरा घर परिवार चल जाए, मेरे पैसे मिल जाए, थोड़ा मेरा आर्थिक स्थिति मेरी सुधर जाए, और क्या रीजन हो सकता है। देश प्रेम है, मानता हूं मैं बहुत से लोगों का देश प्रेम होता है, लेकिन एक प्राइमरी कंसर्न तो घर की आर्थिक स्थिति होता है। ठीक है तो वो चीजें आपने सोचनी है, समझनी है, अपने हिसाब से आपने फैसला लेना है, आपको कोई प्रेशर नहीं कर रहा है, अपने हिसाब से फैसला लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है आपने वो करना है, दूसरे की बातों पे नहीं आना है। बात समझ रहे हो अच्छे से, आपको लगता है कि सर आपने अच्छा बोला है, तो दैट इज डिपेंड अप टू यू। ओके ठीक है तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड, क्या बोलते हैं, गुड बाय एंड जय हिंद।